हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो कंट्रीज के बारे में जिन्होंने अप्लाई किया है कि वो ज्वाइन करना चाहती हैं ब्रिक्स को। साथ के साथ हम देखेंगे कि ये ब्रिक्स है क्या और जो 14th ब्रिक्स समिट चाइना में वर्चुअली हेल्ड हुआ है उसमें क्या निकल कर आया है इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी की न्यूज है, टू न्यू कंट्रीज अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स। बात करें उन दो कंट्रीज की तो वो दो कंट्रीज हैं ईरान एंड अर्जेंटीना जो ज्वाइन करना चाहती हैं ब्रिक्स को। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स जो है एक एक्रोनियम है एक ग्रुपिंग का जिसके अंदर आती है हमारे पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन करा ब्रिक। यहाँ पर जो है ब्रिक नाम उन्होंने दिया चार इमर्जिंग इकोनॉमीज को जिसमें आते थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ये ग्रुप जो है फॉर्मलाइज हुआ 2006 में जब इसके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। 2010 में ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है जब साउथ अफ्रीका इसमें एज अ परमानेंट मेंबर ऐड होता है। तो टोटल यहां पर पांच मेंबर हैं, वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के कुछ इनिशिएटिव्स की। देखिए ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसको कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका एक कंटिनजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। ये पांच कंट्री जो है कभी भी इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो इस रिजर्व से ये ले सकते हैं। ब्रिक्स अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स के काफी सारे कस्टम एग्रीमेंट भी हैं और इन्होंने लॉन्च की है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसको ब्रिक्स कंट्रीज यूज कर सकती हैं। तो ये तो कुछ इनिशिएटिव है ब्रिक्स के। अब जान लेते हैं कि जो 14th समिट हुआ है ब्रिक्स का उसकी थीम क्या है और उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 14th ब्रिक्स समिट हुआ है वो वर्चुअली हुआ है और इस समिट की थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू इरा और ग्लोबल डेवलपमेंट। एग्जाम के लिए आप थीम को याद रख सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो है ब्रिक्स समिट को माना जाता है। बात करें ब्रिक्स प्लस की तो ब्रिक्स प्लस में यहाँ पर कुछ कंट्रीज को चाइना ने इन्वाइट किया था, वो थे यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड। अब यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन निकल कर आया है। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो ब्रिक्स जो है वो सपोर्ट करेगा टॉक्स को बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स है वो हेल्प करेगा रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस एक संगठन है, बेसिकली ये एनजीओ होते हैं जो वेरियस ह्यूमैनिटेरियन एड जो है डिलीवर करते हैं जिस देश में भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये यूक्रेन में काम कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करने की बात की गई है। और जो साथ साथ ही इन्होंने बात की अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान में जो सिचुएशन अभी इमर्ज हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पर अर्थक्वेक आया है, उसको लेकर भी इन्होंने कंसर्न अपने जारी किए हैं। बात हुई है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन यूक्रेन को लेकर, टेररिज्म को लेकर, इनिशिएटिव एक जो चल रहा है डिनाइल टू सेफ हेवन टू करप्शन की, करप्शन को लेकर जो वेरियस ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगी और करप्शन को रोकने की कोशिश करेंगी। उनका जो फ्रेमवर्क है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ई कॉमर्स उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है ताकि कंज्यूमर को जो है वो प्रोटेक्शन दिया जा सके ई कॉमर्स के वर्ल्ड में। इसके साथ साथ ब्रिक्स का फोकस रहेगा कि जो ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको भी रोका जाए और इनके जो वर्किंग ग्रुप है वो इसके लिए काम करेंगे। कर लेते हैं ब्रिक्स जैसा ग्रुप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, एक उभरती हुई पावर है जिसका एक इंपॉर्टेंट स्टेक है वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन एशिया। तो जब हम इन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी बातें इन कंट्रीज तक पहुंचा पाते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर क्या सोचता है, वो उसकी आगे की रणनीति क्या है और हम लोग आपसे क्या चाहते हैं, हम लोग रशिया से क्या चाहते हैं, हम लोग चाइना से क्या चाहते हैं, अगर हम अपनी कोऑपरेशन जो है किस बेस पर आपके साथ करना चाहते हैं